हमारे अमन त्यागी भी आ चुका है और अमन सिंह भी आ चुके हैं। दोनों सिंह त्यागी हमारे भाई। अमन पेप्स बोलते वाले, अमन पेप्स पेप्स होगा तुम छत्तीस बिरादरन की तरफ सू रोम रोम सारे भाई ने जय श्री राम। मेरे को देखा जाम में हमारे अमन भाई पोजिंग कर रहे हैं बैंड की। बस भाई बस है। देख सकते हैं भाई ये आई कैच का है। यहाँ ना आई भी मिलो भी मिल आई भी मिलाना सा एक दिन से क्या करते गर्म करते हो। अब भाई एक तो लग गई है फिनिशिंग हमारा अच्छी है मारुति की। ओरिजिनल नहीं होती भाई ये आफ्टर मार्केट। तो भाई देख सकते हो सामने वाले निक्कू कार डिकोर की दुकान निक्कू कपलर ये हमारे उन भाई ने फेमस कर दी। गड्ढे गड्ढे पे जाएगी थैली को तो नहीं कहीं नहीं है। और इसका आगे जो होल है वो तो काटोगे ना। है तो भाई ऐसी कुछ वायरिंग आती है मारुति की। ओरिजिनल नहीं होती भाई ये आफ्टर मार्केट नाम मारुति का होता है कि हाथ का स्विच है। कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। कोई दिक्कत नहीं होती स्विच होता है बस एक स्विच के चक्कर में भाई मुझे ये लगवाना पड़ रहा है यार ये रील होती है वरना तो भाई वो बटन वाला स्विच था मैंने कहा बेकार लगा गाड़ी का पर ये ओरिजिनल स्विच है तो मैं ये लगा के छुट्टी काटा ना वो पता नहीं ख़राब हो जाए कुछ भी हो जाए इसके गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती स्विच की। ख़राब नहीं होता वो। ख़राब नहीं होता भाई। अमन भाई बंदी से लगे पड़े हैं भाई सिक्स पैक देख रहे हो लोंडे सिक्स पैक देख नजर लग जाएगी तेरी आज बॉडी मेरी चूची लग के देख रही। तो भाई यहाँ से भाई यहाँ से क्या कर रहे हो भैया तुम बाहर निकल रहे हो जो स्विच भैया आएगा यहीं पे लगेगा ना पे इस साइड लगेगा। तो देख सकते हो भाई पूरा थाम घुल चुका है हमारा कपलर तो कपलर हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती पेच वेच की आराम से लगाओ कपलर से जो उसमें जो है ना फोकल लैंप में कोई फायरिंग कट नहीं होगी ना इसमें वायरिंग कट होगी ऐसे लग जाएगा स्विच। और अपना कपलर तो कपलर होता है सारा ना कोई हमारी वारंटी में कुछ इशू आने वाला है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो भाई। वैसे मुझे अभी गाड़ी क्लेम पर देनी है तो इनको कोई इशू तो आएगा नहीं वायरिंग कट हो तो वायरिंग कट की बात होती थी उसमें उसमें लगाने के लिए कह रहा था लाइट तो कह रहा उसमें वायरिंग कट होगी तो मैंने मना कर दिया वो मैंने तो कोई फायदा है नहीं बाद में करवा लूँगा वाला काम। और एक मैंने जो जैसे बेस मॉडल है बेस मॉडल में क्या था लॉक एंड अनलॉक होता है उसमें साउंड नहीं करती तो भाई मैंने बोला ये कर दो उसमें कह रहा उसमें वायरिंग कट होगी मैंने क्या बोल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है वायरिंग कट हो अभी तो वारंटी में जब वारंटी में हट जाएगी मतलब किसी कारण जैसे मैंने वायर वाली चेंजें लगवाएंगे दोबारा किसी कारण वायर कट होते हैं तो जब करवा लूँगा अभी तो कोई फ़ायदा है नहीं करवाने का अभी तो ऐसे चलाते हैं बिना वायरिंग कट के देखता हूटर लगवाने का प्लान बन रहा बाकी अब देखता अंकल जी से पूछेंगे हूटर दिखा दे एक बार कंपनी का अंकल जी ये कंप्लीट होगी कोई इसकी हाँ ये वायरलेस वाला होता है रिमोट भी देगी बढ़िया लग रहा है ना तो ये अलग नाम आया है होता है ये चाइना में सारा होता है। बस की बाल्टी है छोटी बाल्टी है इसकी तो भारी बहुत है पर आवाज़ सुनाना अंकल इसकी एक बार आउजा का सुना दे एक बार आउजा का आजकल तो कोई चल रहा है ना आउजा तो भाई सेटअप हो चुका है इसका दिखाने पर ऐसे कुछ रिमोट होता है तो भाई देख सकते हो सामने वाले निक्कू कार डिकोर की दुकान निक्कू कपलर ये हमारे उन भाई ने फेमस कर दी है गवर्नमेंट इतना बढ़ गया भाई क्या बोले
कैसा है गमन उनका, गमन कैसा है उनका, बात करने का भी तमीज नहीं है, कहेंगे आ जाओ दुकान पे, फिर फोन नहीं उठाएंगे, कार फोन काटते रहेंगे, इसलिए फायदा भी नहीं है इस बंदे पे गमन डाबा जाने का, फायदा नहीं है यार। अभी इतनी गाड़ी आ गई, पूछो मत, हम अपना काम करवा दें भाई, हम तो गुस्सा भाई आराम से कार से बात करें बंदा, उसी से बढ़िया काम करवा लेंगे भाई। बस वायरिंग कट मत करना है ना, कोई लगा दी इसके अंदर LED, इसके अंदर उसके अंदर लगा दी, इसके IPS की भाई गारंटी होती है कोई? IPS की गारंटी नहीं, इसकी होती नहीं होता है नहीं, जैसे पानी वानी जाने का चांस रहता नहीं रहता, कभी गलती से पानी चला गया, जैसे आधी गाड़ी डूब जाती है पानी में तो पानी चले जाता है अंदर, नहीं जा पाता, नहीं होता नहीं, फिर बार वो खुलवाना पड़ेगा नहीं, ये लग गई इसके अंदर हमारी LED। भगवान ऐसे लग जाएगा बाकी, जैसे वो कसा है ना ऐसे ये भी कस देंगे बिल्कुल, फिर कसने के बाद आपको मिलते हैं प्रॉपर फिटिंग। अभी आओ ज़्यादा सैरून देखता हूँ उसमें, अभी फिटिंग कर रहे भाई करने देते, उसके बाद आपको बाद में रिस्पॉन्स दिखाऊंगा पूरा कि कैसे रिस्पॉन्स रहता है, और ये आराम से तो भाई यार देख सकते हो इसका छोटा सा हम तो यार ऊर्जा का नहीं है, मतलब दूसरी कंपनी का नहीं अलग साइज का बड़ा कर देखियो, लेकिन बाहरी ये वाला है, इतना भारी नहीं है, क्योंकि ये बॉडी छोटी है और ये बॉडी बड़ी है ना, वेट दोनों का बराबर है आसपास रिमोट तो होना चाहिए यार, ऐसा कोई होता ही नहीं है रिमोट ना, चाहे वो होता है वायरलेस वाला हो या बिन वायरलेस, दूसरा चल गई भाई, दे सकते हैं अभी तो, इसके प्रोजेक्टर चालू है, अभी हेडलैम्प भी चालू होगा, इसमें दिखाऊंगा सर दोनों, इसमें दिखाऊंगा एक बार आपको, अभी भाई को पहले वायरिंग करने दो पूरी की पूरी, भाई वायरिंग कट कर रहे हो क्या इसके दिखाने पर, प्रॉपर कट होगा एकदम, अच्छा ऐसा मत करना, तो टेढ़ी मेढ़ी में काटा है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगा, हाथ में फिनिशिंग है, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी आए अभी दुकान पर वहाँ पे जाए चालू कर दिया, अभी दिखाऊंगा पूरा रिस्पॉन्स वगैरह, अभी तो वहाँ पे सब खड़े हैं, तो अभी पूरा रिस्पॉन्स दिखाऊंगा काटने, तो सही है प्रॉपर फिनिशिंग आई है, लगने के बाद वो देखते हैं कैसे लगेगा, ये नहीं टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ, बिल्कुल सही प्रॉपर फिनिशिंग आई है, अभी टॉप मॉडल इसको थोड़ा कुछ टाइम बाद ना ये चेंज करवाऊंगा उसका ना, अभी जब अगले चक्कर कटे तब देखते हैं, कुछ काम इसमें और भी नहीं करवाने के करवाना है, बाकी दो तीन काम हो रहा है, मैट कितने मिल जाएंगे भाई, मैट कौन सा, फ्लोरिंग, हाँ फ्लोरिंग नहीं, मैट जैसे मैट होती है उसमें, एक तो नॉर्मल आता है 1700 रुपए का, एक फ्लोरिंग आता है पूरा 1300-1400 रुपए का आता है, जो पूरी गाड़ी का फ्लोर उसमें नीचे वो कमाने की नहीं पड़ती, जो फ्लोरिंग आती है पूरी, अगर फ्लोरिंग करवा रहे हो तो कोई नॉर्मल मैट भी कोई भी लग जाएगा, जो दूसरे वाले हो तो प्रॉपर फिनिशिंग प्रॉपर आते हैं, फिनिशिंग से वेंडी डालोगे तो फिर फ्लोरिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सीट कवर आपके 4500 के स्टार्ट हो जाते हैं ना, जो अच्छे होते हैं ब्लैनो का, मैं और कितना टाइम लग जाएगा, मैं लगवाऊँ उसको 1.5 घंटे में प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी, तो लोग नेक्स्ट काम हमारा ये रहता है भाई, एक तो हमें सीट ये लगवानी सीट कवर मैच, और दो तीन हमें लाइट वाइट कवर करवाना है इसमें, जब नेक्स्ट बार आऊँगा तभी करवाऊँगा यार, इसमें एम्बेंट लाइट भी लगवानी मुझे अभी, तो अगली बार आएंगे तभी करवाएंगे काम, हम इतना भाई वारंटी कार्ड बना दो उसका, तो भैया अभी वारंटी कार्ड बनवा रहे दोनों चीज़ का, IPS थोड़ी आता भैया वारंटी आती, प्रोजेक्टर में नहीं आती, प्रोजेक्टर में नहीं आती, उसका भाई LED में भी नहीं आती, वो कितने साल की आती है, एक साल 12 महीने लिखा हुआ रिटर्न में, तो कुछ भी हो चेंज करके दोगे वो, जैसे भैया IPS में लग रहा हो नीचे हमारा प्रोजेक्टर, तो उसमें चांस तो नहीं पानी जाने का, नहीं वो जो पीछे LED लगा है वो लॉक लग जाता है, हाँ जो रबड़ के लग जाती होगी, वो कवर हो जाता है, होता है ना कभी इतना पानी भरा जाता है तो प्रॉब्लम डूब जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे पानी वानी बनने का, LED के आगे लॉक लगा हुआ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ
भाई अब हम लगा चुके लाइट वाले, अब निकल चुके हैं, मनु भाई हैं। कितना टाइम लग गया? चार घंटे भाई, काफी टाइम लग गया हमारा। मन भाई कैसे बैठे भाई, तमीज नहीं आ गया आपको बैठने की? संडे ना भाई, संडे को बैठ देखना। अभी जाम देखिए लाल, कितना लाल देखा रहा है। जो तक टाइम भाई इतना लगा ना पूछो मत, एक डेढ़ घंटे में पहुंचे पहुंचे सब। रोशनी भाई कैसे देख रहे रोशनी? अभी बाहर जाकर दिखाएंगे। बहुत प्यारी रोज है, सुबह कर दी तुमने तो जानवन, तुमने तो सुबह कर दी बहन चला है। चलते भाई, जाम खुल गया भाई, खा दे टू जाएगा, वीडियो बनाते बनाते चलते हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, आप देख सकते हैं इसका थ्रो भाई मस्त लग रहा है देखने में ना, एक नंबर लाइट है भाई। थ्रो देखो भाई इसका, मैं सामने देखा था, सेकंड नंबर देखो। मतलब रोड पे आ रहा ना, आपने देखा हो रोड पे एक मतलब मस्त लग रही लाइट चलती हुई है। हाँ भाई जब पैसे लगे यहाँ बढ़ते थे हमारे, और नीचे आपको प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं। देखिए थोड़ी सी साइड मतलब जो कटिंग है ना थोड़ी, उसमें मतलब अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, या फिर ये टेढ़ा हुआ पड़ा है इसलिए रखे ना। साइड में गैप दिख रहा है आपको, ये समझ नहीं आ रहा गैप का, क्यों गैप क्यों है। इस साइड नहीं है, पर देखो इस साइड नहीं है, उस साइड जाता है। थ्रो भाई बढ़िया है बंदे ने, पर एक बात है अभी ये नहीं पता भाई कब तक चलेगा, क्योंकि पता क्या है इन्होंने जब ये खोल कराया ना तब बिन खोले कराए, इसको ऐसे हल्के से निकाला और फिर करने लग गया, लगाने लग गया। मैंने कहा भाई तो खोल कर दे, क्या नहीं मैं ऐसे ही काम हो जाएगा। मैंने कहा फिर भी यार तू कर दे भाई, तू माना ही नहीं कह रहा यार, सेटिंग बिगड़ जाएगी। मैंने कहा तू छोड़, तो अपने मन से जो मन करना है वो कर ले। तो ठीक ठीक है भाई, ये देखो कम्युनिटी प्रोजेक्टर आपको मिलता है, और नीचे आपको मिलता है जो आपको मैं आफ्टर मार्केट लेके आया हूँ। मतलब फ़र्क तो भाई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मतलब इसका थ्रो अच्छा है एक बार, इसका थ्रो कम है। वो देखो भाई एक, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये भाई मैंने बटन अलग से लगवाया हुआ है, जो मैं आपसे कहा था ना फोक लैंप के लिए, मतलब तो वो बटन लगा दो जैसे उस पर लगता है चकरियों में लगता है खट खट वाला बंद खोलने वाला, तो वो मैं बंद खटका, मैंने वो खटका नहीं, मुझे वो चाहिए कंपनी वाला। तो मारुति का आता है, जेन्युइन तो नहीं कह सकता मैं, लोकल ही है। ये इसे दबाऊँगा तो फोक लैंप बंद हो जाएगी, अगर मैं इसे दबाऊँगा तो चालू हो जाएगी। देखो अब मैंने बंद कर दी तो वो बंद हो गया, अभी सिर्फ इसकी रोशनी उसकी है, क्या नाम है हेडलैम्प की। देखो अभी हाई लो बीम हो गया और ये हाई बीम हो गया। अगर मैं इसको प्रोजेक्टर से चलाऊंगा, प्रोजेक्टर की रोशनी देखना, अभी कोई चालू तो नहीं है, मैं प्रोजेक्टर चलाऊंगा रोशनी। देखो भाई साहब प्रोजेक्टर की रोशनी बढ़िया है, देखो ना मैं सारी जलाऊँगा तो ऐसी रोशनी है, और प्रोजेक्टर अगर मैं ये जला के प्रोजेक्टर बंद करूँगा तो ऐसी रोशनी दिखती है आपको। सही है भाई, रोशनी उसने बढ़िया है भाई, इसकी रोशनी आपको ज़्यादा मिलेगी, इसकी कम मिलती है। वो ये कंपनी वाले वैसी मतलब बेस मॉडल में दे दिया, वही बड़ी बात है। तो भाई मतलब लाइट तो मुझे मस्त लगी, बट लगे मुझे पैसे वैसे, और ये कनेक्शन मैं चेंज करवाऊंगा, ये ना उसका कनेक्शन है ये स्विच का, तो उसने टाइट कर दिया भाई उस टाइम, वो ये ना गलती हो गई मेरे से, देख रहे तो सही रहता, बाहर पैसे तो 50 रुपये वो भी ले लेगा, ठीक तो कर देगा, बट डायरेक्ट में ये दिक्कत है बैटरी बैटरी ना लो हो जाए। तो भाई यही थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना है वीडियो को, और भाई कमेंट में बताना आपको लाइट कैसी लगी, और अगर इससे बेस्ट एलईडी होती है क्या पता अगली बार मैं लगा लूँ। देखो लाइट तो बढ़िया है वाली, क्या पता अगर फ्यूचर प्लान बन जाए कि मैं इसकी प्रोजेक्ट हेडलैम्प चेंज करवा दूँ। उसमें मैं एक ऑप्शन है उसमें डायनामाइट लगाऊंगा यहाँ पे, इस साइड में डायनामाइट, और इस साइड इस डीआईएल मैंने वैसे लगा रखी थी बाहर से, ये ऐसे डीआईएल लगवाऊंगा लेकिन मस्त लगेगी गर्म तोड़ना। तो भाई अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, कमेंट बता देना लाइट कैसी लगी, तब के लिए बाय बाय। और भाई मैं डब्बे और ले आया हूँ, ये रहे गारंटी वाले, कब को आया ना कल को बोले भाई डब्बे तो मेरे पास है नहीं, कहा भाई डब्बे लाया था डिग्गी में डब्बे, एक सेकेंड ये डब्बे जीवा अल्ट्रा वाइट, ये है 12 वाट के चार्जिंग, ये 12 वाट वाला है, और ये है 200 वाट का HT प्रोजेक्टर का है, ये फोक लैंप वाला है, और ये वैसे ही नॉर्मल जो हमारे आगे उसमें लगता है। डिग्गी देखो भाई सीएनजी के हटने के बाद कितनी मस्त लग रही है डिग्गी, स्पेस है। और मैं आपको पता ही, मैंने आपको दिखाई दी थी वीडियो सुबह, मैंने आपको इसमें टेपिंग करवाई थी, ब्लैक में क्या फिनिश दे रही है नीचे भी ऊपर भी मस्त लग रही है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।